आज हम कक्षा दसवीं में अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जीव विज्ञान का ये पोर्शन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम मतलब जीवितों में होने वाली क्रियाएं जो भी होती हैं। तो आप देखने, आपने चारों ओर देखा ना, निर्जीव और सजीव में क्या अंतर होता है। तो जैव प्रक्रम में सम्मिलित रूप से वो सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिससे कि जीवों में वृद्धि होती है, जीव विकास करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। तो यहाँ पर हम चार प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वहन या परिवहन। पोषण जो कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर में वृद्धि होती है। उत्सर्जन, श्वसन और इन सब का, उत्सर्जन मतलब व्यर्थ पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, श्वसन मतलब सांस लेना, जिससे कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 निकलती है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगला पॉइंट है वहन या परिवहन, पूरे शरीर में हम किस प्रकार भोजन को, ऊर्जा को पूरे शरीर में हम कैसे पहुंचाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा पोषण। तो पोषण क्या है? ऊर्जा के स्रोत और भोजन को जब हम शरीर के अंदर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाता है पोषण, वो भोजन जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो पोषण दो प्रकार का हो सकता है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो पहले आप जीव समझ गए ना, जीव में हरे पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं। विषम पोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो हैं विषम पोषी, जैसे हम लोग, जंतु या फफूंद होती है, इसको फंजाई भी बोलते हैं, ये कवक जगत का है। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण अभी पहले दिया, हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे बाहर से, ये बाहर है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड व जल लेते हैं, CO2 गैस और H2O लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड उनको वायुमंडल से मिलती है और जड़ों से वो जल ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश उनको प्रकृति से मिलता है, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में पाया जाता है। ये सारे घटक, कहना चाहिए ये पौधे के लिए कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब जो हमें आसानी से प्राप्त हो, इनकी उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। और ये क्रिया हरे पेड़ पौधों में ही होती है। आप देखिए, इस क्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O पानी, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, इनका कोई सूत्र नहीं है, तो ये लाइन के ऊपर लिख दिए हैं। ग्लूकोज बनता है, ये भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है और जल उत्पन्न होता है। ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण भी होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी उत्पन्न होती है जो वायुमंडल में निकाल दी जाती है, और इससे वायुमंडल हमारा शुद्ध होता है, ये पर्यावरण में मिल जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा है वो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तुम्हें मालूम है कि सभी को कि ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल ग्रहण करता है और उस ऊर्जा को, दूसरा पॉइंट देखिए, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और ये जो जल के अणु हैं, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे विषम पोषी पोषण होता है, जो कि मनुष्य, विषम पोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो
तो अभी हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, उसमें जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है हरित लवक, तो उसकी उनमें ही क्षमता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकें। तो ये हरे रंग के एक कोशिकांग होते हैं, कक्षा नौवीं में आपने पढ़ा है पादप कोशिका में इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, पत्तियों का रंग हरा होता है और उस पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा, रंध्र भी बोल सकते हैं या स्टोमेटा, इन्हीं के द्वारा गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आप ये चित्र में देखिए, एक पत्ती है, पत्ती में ये छिद्र आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, जब इसकी एक बहुत पतली परत को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये बिल्कुल पतली परत, आप एक पतली लेयर लीजिए और उसकी स्लाइड बना के जब हम देखते हैं तो हमको इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए पत्ती का ये जो है, ये है सबसे ऊपर की एक त्वचा पाई जाती है और किसी किसी पर ये मोटी क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। देखिए आप कोशिकाएं, ये आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, इसमें ये जो गोल दिख रहे हैं ये हरित लवक हैं, ये केवल पादप कोशिका में होता है और बीच बीच में ये खाली स्थान है। और आप देखेंगे कि ये छेद है ये निचली सतह पर, और ये जो कोशिकाएं हैं तो ये ऐसे दरवाजे के समान है, इनको हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, ये और ये द्वार कोशिकाएं। तो यहां से ही ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होता है। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, इस छिद्र को खुलने और बंद होने पर कंट्रोल करती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, छिद्र खुल जाते हैं। रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं ये जो रंध्र है को नियंत्रण करती हैं खोलने और बंद करने में। तो कब खुलेगा और कब बंद होगा, तो जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल आता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है, और जब जल इनका निकल जाता है तो इनका स्फीति दाब कम हो जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद। यहाँ देखिए आप एक रंध्र स्टोमेटा, जो एक स्टोमेटा है उसको देखिए, यहाँ ये है द्वार कोशिकाएं, ये और इस प्रकार ये रंध्र है और ये इसमें ये हरे रंग के हरित लवक ये पत्तियों में पाए जाते हैं। तो जब इनमें पानी की मात्रा पर्याप्त होती है तो ये फूल जाती हैं कोशिकाएं और रंध्र बड़ा हो जाता है, और जब पानी की क्या हो जाती है कमी तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ये रंध्र छोटा हो जाता है। इस प्रकार स्टोमेटा के द्वारा गैसों का विनिमय आदान प्रदान होता है। अब हम पढ़ रहे हैं विषम पोषी पोषण, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, समभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। समभोजी पोषण, ये हम मनुष्य लोग समभोजी पोषण में आएंगे, अधिकतर जंतु हैं, और मृतोपजीवी जो सड़े गले मृत पदार्थों का सेवन करते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल, अमरबेल देखा ना आपने, कभी दूसरे पेड़ पर लिपट जाती है और अपने चूसकांग उसमें छोटे छोटे हुक के जैसे होते हैं, उन दूसरे जिस पर ये लिपटी रहती है उससे अपना पोषक तत्व ग्रहण करती है। जुएं, ये हमारे शरीर में यदि सिर में हो जाते हैं तो शरीर में से खून चूसते रहते हैं। संभोजी मनुष्य और अधिकतर जंतु संभोजी होते हैं, इसके बारे में अभी पढ़ाते हैं। मृतोपजीवी फफूंद, मशरूम, ये सब सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें वो कैसे भोजन ग्रहण करता है, उसमें कोई अंग तो होते नहीं है, तो उसमें ये देखिए अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, कभी गोल भी हो जाता है, देखें ये अमीबा कभी गोल भी हो जाता है, कभी कहीं से भी कोई भी सिरा निकाल लेता है। ये केंद्रक है, इसका पूरा शरीर एक कोशिका कोशिकी है। अब इसको भोजन लेना है तो देखिए ये भोजन है, ये दिख रहा है ना खाद्य कण, तो ये क्या करता है अपने कूटपाद
झूठे पाद बनाता है, इसको कूट पाद बोलते हैं। देखिए तो उस ओर ये धीरे धीरे सरकता है, ये कूट पाद, देखिए ये कूट पाद सेकेंड स्टेप में। और भोजन को क्या कर लेते हैं, ये घेर लेते हैं, और इस प्रकार कूट पादों के द्वारा ये भोजन उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और जब ये चला जाता है तो वहाँ एक रसधानी या खाद्य रिक्तिका बन जाती है रसधानी, और इस प्रकार पोषण शरीर के अंदर चला जाता है। और व्यर्थ पदार्थ भी इसी प्रकार शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार अमीबा में ये जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में एक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। हम मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं, ये देखिए पूरा पाचन तंत्र का चित्र बना हुआ है। आहार नली जो हम मुंह से भोजन लेते हैं और गुदा द्वार तक, ये पूरी नली कहलाती है आहार नली। तो सबसे पहला भाग है मुंह, जिसके अंदर हम भोजन लेते हैं। उसके बाद दांत होते हैं जो हमारे भोजन को छोटे छोटे कणों में चबा चबा कर बदल देते हैं। लार ग्रंथियां होती हैं जो कि लार उत्पन्न करती हैं, और हमारी लार में एक एमाइलेज एंजाइम्स पाया जाता है। वो एंजाइम्स क्या करता है, भोजन में जो स्टार्च होता है तो उसको शर्करा में बदल देता है। आप देखते हैं भोजन को आप चबाइए तो थोड़ा देर बाद मीठा लगने लगता है। और जीभ होती है तो जीभ एक प्लेटफॉर्म का काम करती है, भोजन को लार के साथ मिलाती है। और उसके बाद ये देखिए जीभ, ये मुंह, और ये यहाँ से लेकर पूरा ये अमाशा, ये जो नली दिख रही है ये कहलाती है ग्रसिका। ये सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा नहीं, लंबा तो छोटी आंत है, ये थोड़ा सा पतला लंबा भाग है। तो ये मुंह से अमाशय के बीच की एक नली है। सबसे बड़ा भाग है हमारा शरीर का, ये है अमाशय। ये यहाँ पर पाचक ग्रंथियां बहुत सारे रसों को निकालती हैं और हमारे भोजन का पाचन होता है। तो ये अमाशय, इसको जठर भी कहते हैं। यहाँ जठर ग्रंथियों से, जठर यहाँ पर ग्रंथियां हैं छोटी छोटी, इनसे ये निम्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो कि वहाँ के माध्यम को अम्लीय बनाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, सिलेश्मा, ये सब यहाँ पर अमाशय में उत्पन्न होते हैं। इसकी रचना एक बार बता देते हैं। ये डायफ्राम है, ये बहुत बड़ी ग्रंथि है, यकृत, इससे पित्त रस निकलते हैं। और ये छोटी सी एक नली है, पित्त रस यहाँ अमाशय में देखिए आप निकाल देती है। एक ये यकृत, ये छोटी सी एक पत्ती जैसी ग्रंथि है अग्नाशय, इससे भी रस निकल के इस पाचक नली में आ जाते हैं। ये मुड़ी हुई है छोटी आंत, ये बहुत मुड़ी हुई है, इसको आप फैलाएंगे तो करीब 10 मीटर भी हो सकती है। और ये हिस्सा है बड़ी आंत, और साथ में एक अवशिष्ट अंग है हमारे शरीर में परिशेषिका, इसको आप लोग शायद इंग्लिश नाम से परिचित है, अपेंडिसाइटस। और बाद में जो हमारा भोजन है अपचा और व्यर्थ, वो गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आपका नामांकित चित्र बनाना है। अब हम देखेंगे क्षुद्रांग, अमाशय। अमाशय के बाद अगला भाग है आहार नली का क्षुद्रांग, ये सबसे लंबा भाग है। और यहाँ पर भी भोजन का अवशोषण भी होता है और पाचन भी होता है। यहाँ पर ये देखिए यकृत से, यकृत से भी रस आते हैं, और यहाँ पर अग्नाशय से भी कुछ एंजाइम्स आते हैं। तो ये जो यकृत से आते हैं, ये दो प्रकार के रस आते हैं, पित्त रस और पित्त लवण। और अग्नाशय से एक एंजाइम आता है ट्रिप्सिन, और एक आता है लाइपेस। इस प्रकार ये हमारे भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में है, वो अंत में किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन लेते हैं हम भोजन में, आप दूध लेते हो, दाल लेते हो, अंडे लेते हो, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। ये पचकर अंत में किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में। और जो वसा है वो बदल दो भागों में बढ़ जाता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। अब भोजन का जो अवशोषण है, अभी तो भोजन पच गया, पचने के बाद भोजन का अवशोषण है, मतलब भोजन इतना पतला हो जाता है पानी जैसा, उसमें सारे पोषक तत्व मिले हुए रहते हैं।
तो ये छोटी आंत की भित्ति के द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं। अब जो छोटी आंत होती है उसमें बारीक बारीक ऐसे बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम विलाई या दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या, इनसे रुधिर कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं, वाहिकाएं, और इस प्रकार ये भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में भेज देती हैं। और पूरा भोजन हमारा कोशिका में जाता है। आप कोशिका की रचना 9th में पढ़ चुके हो। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर का क्या करती है, विकास करती है। और उसके बाद आता है बड़ी आंत, जिसमें बिना पचा भोजन आता है। और यहाँ पर भी यदि हमारे भोजन में पानी है तो ये वहाँ पर भी जो दीर्घ रोम होते हैं वो जल को सोख लेते हैं और अंत में व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पोषण वाला चैप्टर खत्म हो गया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर बताइए और पाचन तंत्र का आप नामांकित चित्र बनाइए। धन्यवाद।